देखो आइलीन, इमोशनल फूल बनना है या फिर प्रैक्टिकली एक हैप्पी लाइफ जीनी है, चॉइस तुम्हारी है। इतना बड़ा घर है, इतने अच्छे लोग हैं, तुम्हारी बेटी को सबने हाथों हाथ लिया हुआ है। एंड ऑन टॉप, अरबाज तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रास्ता नहीं, आई थिंक मैं पार्टी बदल लेती हूँ। यूसी शहजा, पारिस, पारिस तू क्या कर रहा है यार? अरबाज सिर्फ घर बता दे कि मैं इस वक्त यहां पर हूं, और फिलहाल मुझे कोई छुड़वाने ना आए, बस। ये क्या पागलपन है बेटा, मां मर जाएगी। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। अब आपका बेटा सबके जीने का रास्ता तलाश कर रहा है, भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं मिला था उनसे, माफ कीजिएगा अम्मी, बहुत सफाक दिल से प्यार किया आपने। क्या कहा, क्या कहा उन्होंने? क्या वो किसी शैला को नहीं जानते? क्या क्या कहता वो लड़का, कुछ बोला? बेगम साहिबा, पुलिस वाले यही बता रहे हैं कि कुछ नहीं बोला, चुप है। कुछ तो चाहता है वो जो यूं चुप है। जी बेगम साहिबा, मेरी मुलाकात करवाओ उससे। आप बेगम साहिबा, शहजाद साहब। रुकैया बेगम अपनी मर्जी से चलती हैं, आइंदा इस किस्म की कोई भी बात करने से पहले सोच लेना। सॉरी बेगम साहिबा। और रही बात शहजाद साहब की, उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा, जो बताना होगा मैं खुद बताऊंगी। अंडरस्टूड शहजाद साहब? जी आप ही? आपसे मिलने कोई आया है? कौन आया? कोई शैला है? अच्छा सुनो, ये नूर के पास रहो, उसका ध्यान रखो, मैं देखती हूँ जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। आइलीन, तुम्हें पता है कि तुम और मारिस एक बार फिर माजी को दोहरा रहे। मैं तो शहजाद से कभी पूछ ही नहीं सकी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तो जेल में बंद थी। तो आजाद हो, तुम बात कर सकती हो, पूछ सकती हो उससे, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर तुम्हें वो मुतमईन ना कर सके तो फिर जो चाहो फैसला कर लेना, लेकिन एक बार उससे बात तो कर लो, ताकि तुम्हारा फैसला हक पर हो। अब उसके बाप ने उसको जेल में बंद करवा दिया है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। मोहब्बत की हर कहानी अधूरी नहीं होनी चाहिए आइलीन।
हुकुम का इक्का खुद तुम्हारे हाथ लगने आया है। रुकैया बेगम, उठो और मिलो उनसे। हर ताले को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए होती है ना, बना लो रुकैया बेगम को। क्या चाहते हो? मैंने पूछा है, क्यों कर रहे हो ये सब? कौन करवा रहा है? मैंने किया क्या बेगम साहबा? शहजाद को मारने की कोशिश। माफ कीजिएगा, पॉलिटिशियन लोग बहुत कमजोर होते हैं और डरपोक भी। ना हाथ में गन, ना खुद कुछ पेटी, तो मारने की कोशिश कैसे? चाहते क्या हो? किसी का हक दिलवाना। हक? किसका? वक्त आने पर बता दूंगा। समझो यही वक्त है। वक्त यही है पर यहां नहीं बताऊंगा। जेल से बाहर करवाइए, सब बता दूंगा। चोर कोतवाल से खेल रहा है। कौन चोर है, कौन कोतवाल, ये भी वक्त ही बताएगा। तुम बताते हो या? बताया तो था सब शहजाद साहब को। लगता आपके शौहर आपको सब कुछ नहीं बताते। वैसे सियासत में सब झूठ ही चलता है। अच्छी सियासत खेल रहे हैं आपके शौहर आपके साथ। तुम पागल हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुमने? मैं जानता हूं मैंने क्या किया। आप बस देखते जाइए, अब तुम्हारी बेल नहीं होगी, ये भी वक्त ही बताएगा। नो नो, इन्नी प्यारी सी बेबी हो, तंग नहीं करते ऐसे, है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं। ये लो, ये लो। कभी कभार इंसान का कंट्रोल अपने आप पे खत्म हो जाता है। मेरा भी शायद होने वाला था। नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, मैं ही थोड़ी वीक पड़ गई थी। मतलब कुछ हुआ है ना? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इस बार तो मैंने पता नहीं कैसे ताकत आ गई और मैंने अपने आप को रोक लिया। लेकिन अगर ना रोक सकी कभी तो? तुम्हें हर बात से प्यार व्यार तो नहीं हो गया कहीं? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ जी? कुछ नहीं यार, हर इंसान कभी ना कभी कमजोर पड़ जाता है और हर खामोशी प्यार थोड़ी होती है ना? अच्छा कुछ नहीं।